जय भारत दोस्तों, मेरा नाम स्वाति जोशी है और आप अगर कुछ अच्छा देख रहे हैं तो जय भारत YouTube चैनल देख रहे हैं। वैसे तो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही बहुत अद्भुत क्षमता के लोगों ने जन्म लिया है और अभी तक कई सारे महान लोग जन्म ले भी रहे हैं और उसी में से एक जिनका नाम शकुंतला देवी है, जिन्होंने हमारे भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उनका जन्म 14 नवंबर 1929 में हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय ब्रिटिश शासन था और उस समय हम भारतीय काफ़ी गरीब भी हुआ करते थे। उस समय बेटी की एजुकेशन पे कोई खास ध्यान नहीं देता था, इवन बेटियों को एजुकेशन ही नहीं दी जाती थी। तो शकुंतला देवी जी की जो एजुकेशन थी वो स्कूलिंग की तो बिल्कुल नहीं हुई थी, बेसिक एजुकेशन उनकी बिल्कुल नहीं हुई थी। उस समय वो ब्राह्मण फैमिली से में उनका जब जन्म हुआ था तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी गरीब वो लोग थे और पैसे की तंगी की वजह से उनके पिताजी को बाहर आकर सर्कस में काम करना पड़ा। सर्कस में काम करने में उन्हें रिंग मास्टर शेरों के साथ उन्होंने काम किया, रिंग मास्टर के साथ साथ उन्होंने म्यूजिशियन का काम किया। म्यूजिशियन में उन्होंने कार्ड्स जो होते थे, कार्ड्स प्लेइंग, अलग अलग नंबर प्ले करना, तो उनके साथ में शकुंतला देवी बच्ची थी तो वो भी अपने पिताजी के साथ शो करती थी और उसी शो के दौरान लोगों का अटेंशन शकुंतला देवी पे गया कि इतनी छोटी सी बच्ची, 3 साल 2 साल की बच्ची को नंबर्स याद रहते हैं। तो वहां से उनकी ये चीज शुरू हुई, एक अद्भुत उनका जो प्रतिभा थी लोगों को देखने में मिली और धीरे धीरे उन्होंने, उनके पिताजी ने ये शो नुक्कड़ चौराहों और रोड पे करना शुरू किया तो वहां से शकुंतला देवी काफी फेमस हो गई, एटलीस्ट साउथ में तो काफी फेमस हो गई और साउथ की एक यूनिवर्सिटी से उनको फिर बाद में बुलाया गया कि आप पढ़ाई कीजिए। तो बेसिक शिक्षा उनकी नहीं हुई मगर वो कॉलेज गई, उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जैसे कि आप जान रहे हैं 1929 था, उस समय अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के थ्रू ये बात बाहर के देशों तक गई कि यहाँ पे एक लड़की ऐसी है जिसको ना तो कॉपी चाहिए ना तो पेन चाहिए और बड़ी बड़ी इक्वेशन वो सेकेंड्स में, मिनटों में नहीं सेकेंड्स में क्लियर करती है। तो वहाँ पे लोगों को ये जानने की उत्सुकता हुई क्या सच में ऐसी कोई लड़की है, ऐसा कोई इंटेलिजेंट ब्रेन सच में है। तो उन्होंने सबसे पहले एक कंपटीशन उनको दिया गया कंप्यूटर से, उनका कंप्यूटर सबसे पहले जो कंपटीशन हुआ वो 27 सितंबर 1973 में इंटरनेशनल बीबीसी रेडियो का ये एक शो था। यहाँ पे यहाँ की जो एंकर थी वो बॉब विलिंग्स थी, उन्होंने शकुंतला देवी से बहुत सारे बहुत बहुत कठिन क्वेश्चंस किए जिसका आंसर एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था मगर शकुंतला देवी ने सारे आंसर दिए। एक आंसर ऐसा था जो शकुंतला देवी का आंसर और उनकी आंसर शीट मैच नहीं हुई तो बॉब विलिंग्स ने क्लियर बोला कि आपने आंसर गलत दिया है, बट शकुंतला देवी इतना श्योर थी कि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, मैंने जो इक्वेशन करके दिया है वो राइट है। उन्होंने उसे चैलेंज किया और एट लास्ट जब ये क्रॉस चेक हुआ तो ये हुआ कि बॉब विलिंग्स की आंसर शीट पे जो आंसर था वो गलत था, हमारी शकुंतला देवी का आंसर सही था। इसे काफी ज्यादा हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में छा गया। उसके बाद क्या ये सच है इसको जानने के लिए अमेरिका में एक दूसरा टेस्ट हुआ, वो भी कंप्यूटर से, उस समय का सबसे ज्यादा तेज कंप्यूटर यूनिवैक्स कंप्यूटर था उस समय और अपने समय का सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसर वाला कंप्यूटर था। उस समय जब उनका कंपटीशन हुआ तो 201 नंबर्स का 23 रूट उनको निकालना था जो कि काफी बड़ा था और उन्होंने बिना पेन बिना कॉपी मेंटली उन्होंने बस इक्वेशन लगाया और उसका आंसर उन्होंने 50 सेकेंड्स में दे दिया और यहाँ पे कंप्यूटर फिर से हारा हमारी शकुंतला देवी से क्योंकि उसका जो आंसर देने का टाइम था वो 63 सेकेंड्स था, 12 सेकेंड्स का इनके आंसर में गैप था कंप्यूटर
को हमारी शकुंतला देवी जी ने फिर से हराया हरा दिया था। अब तो इनका नाम एक सुपर ह्यूमन, सुपर कंप्यूटर और ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में जाना जाने लगा कि भारत की एक ऐसी महिला है जो बड़ी बड़ी इक्वेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज में क्लियर करती हैं। उसके बाद एक और कॉम्पिटिशन हुआ जो कि लंदन में हुआ 18 जून 1980 को, ये इम्पीरियल कॉलेज में हुआ और यहाँ पे 13 अंकों की दो संख्या दी गई जिसको इन्होंने मात्र 28 सेकेंड में क्लियर कर दिया, बहुत ही कम समय में क्लियर कर दिया। वहीं उस समय के कंप्यूटर ने, उस समय का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर था उसने 38, मतलब यहाँ पे भी 10 सेकेंड का बड़ा गैप था, कंप्यूटर हारा और शकुंतला देवी जी जीती। तो कंप्यूटर को हराने वाली सुपर ह्यूमन हमारी शकुंतला देवी जी, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने अवार्ड अपनी लाइफ में जीते, भारत का पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया कि भारत के लोग इतने विद्वान हैं कि बेसिक शिक्षा नहीं मिली, बहुत ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद भी इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट, पूरी दुनिया में अपना नाम किया, भारत का नाम किया। इनके सम्मान में बहुत बहुत सारे इनको पुरस्कार दिए गए, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से सम्मान मिला। 1982 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हुआ। पजल से पजल, होमोसेक्सुअलिटी और अवेकन जब मैथ जीनियस, कुछ ऐसी फेमस बुक्स थी जिनको इन्होंने लिखा था और ये वर्ल्ड फेमस बुक्स हुई और ये काफ़ी अच्छी न्यूमरोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर भी थी, जिसकी वजह से, एक अच्छे ज्योतिषी की वजह से इनसे बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के काफ़ी लोग ओपिनियन भी लेते थे, मिलते भी थे। इंदिरा गांधी जी ने इन्हें सम्मानित किया था और पूरी दुनिया से सम्मान, इनको काफ़ी पूरी दुनिया से सम्मान मिला था। और अभी जब 21 अप्रैल 2013 में इनकी डेथ हो गई, उसके बाद भी इन्हें काफ़ी सम्मान मिले। और अभी एक नई जो मूवी आ रही है शकुंतला देवी, ये इन्हीं की बायोग्राफी पे ये पूरी बनी है। जो विद्या बालन जो रोल कर रही हैं वो शकुंतला देवी जी का वो रोल कर रही हैं, बट मुझे तो जहाँ तक लगता है कि शायद शकुंतला देवी को पूरी तरह से निभा पाना बहुत ही मुश्किल है। वो हमेशा हमारे लिए गर्व रही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।